हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी अलावत। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है उसका जो 6-स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है उसका मैं एक ऐसा फीचर बताऊंगा जिसका आपको शायद ही पता होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो दोस्तों, ये है 6-स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स। इसमें जैसे ये आपको पी मिल जाता है, मतलब पार्किंग, आर हो गया रिवर्स का, एन हो गया न्यूट्रल, डी हो गया, मतलब डी अगर आप यहाँ पर इसको ले आओगे तो ये ड्राइव मोड हो गया एक तरह से, मतलब इसमें आपको गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। पर ये हो गया एस, एस यानी आप स्पोर्ट्स मोड भी कह सकते हो उसको, या मैनुअल मोड भी। तो ये आप अगर इस साइड करके आप इसको शिफ्ट भी अपना मैनुअली कर सकते हो। सो इसमें पेडल शिफ्ट भी आपको मिल जाता है, एज यू कैन सी ये आपका पेडल शिफ्ट हो गया, ये माइनस हो गया, मतलब एक अगर आपको गियर छोटा लगाना है, या ये हो गया प्लस का अगर आपको गियर ऐड करना है उसमें, मतलब बड़ा गियर लगाना है। सो ये आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। पर बात ये होती है कि जैसे एक दो बार हम ऐसी जगह पे होते हैं कि हमको जैसे थोड़ी सी गाड़ी आगे हमको पीछे करनी होती है, तो हमको जैसे हम मैनुअल में तो क्या करते हैं कि हम न्यूट्रल पे ले आते हैं गाड़ी को, पर हम ऑटोमेटिक गाड़ी हो तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं कि स्टार्ट करके और फिर आगे पीछे हम कर लेते हैं। पर अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी में ही, मतलब आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं भी करनी पड़े और आपको फिर आगे पीछे करना चाहते हो, तो उसके लिए कंपनी एक फीचर देती है जो कि इस कंपनी में, मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर में दे रखा है। सो एक यहाँ पर आपको एक ऐसा जो की डालने का है वो ऑप्शन मिल जाता है, आपको एक फिजिकल की कंपनी देती है, तो उसको आप पहले निकाल लें। अब बिना स्टार्ट हुए आगे पीछे मैं कर सकूं, तो आप देख सकते हो कि मैंने गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर रखी और ना ही इग्निशन में डाल रखी। सो अब आपको करना क्या है कि जो आपकी फिजिकल की है वो आप इसमें इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद आपको इसमें यूं नहीं करना कि आपको पुश करना है या आपको ऐसे यूं करना है, आपको सिंपली थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर ना लगा के थोड़ा सा ऐसे करना है और जो ये ऊपर का कवर है ये आपका निकल आएगा। सो कवर को आप बिल्कुल साइड में रख सकते हैं क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। सो इसके बाद आपको जो ये की है, इस की को हम इसमें, अगर मैं जैसे अब ऐसे डाल के इसको पुश कर दूंगा और पुश करके इसको ऐसे करूंगा तो ये होएगा। अगर हम इसको अब जैसे अगर मैं इसको निकाल लेता हूं, तो अब आप इसको, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। पर अगर उसी टाइम मैं इसको थोड़ा सा डाल के चाबी को और पुश कर दूंगा तो ये आप गियर बदल सकते हो। सो अब ये न्यूट्रल हो गया, अब आप बिना गाड़ी स्टार्ट करे इसको आराम से आगे पीछे गाड़ी कर सकते हो ऐसे न्यूट्रल पे करके। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी मैंने अब भी स्टार्ट नहीं कर रखी है। सो कुछ ऐसे आप इस गाड़ी का गेयरबॉक्स का ऐसे यूज़ कर सकते हो। सो आपका जब काम हो जाए, मतलब आपने गाड़ी आगे पीछे कर ली हो, मतलब आप यूँ है कि अब आपको वापस गाड़ी खड़ी करनी हो, तो आप पी पे ऐसे लगा दें। सो अब भी जैसे मैंने वो हटा दिया, अब की मेरे पास नहीं है। सो अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी ये बिल्कुल भी ऐसे हो जाती है पर पीछे नहीं जाएगी। सो एक तरह से ये लॉक होता है। सो इसके बाद जैसे भी आपका काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो इसका लॉक था ये हमेशा लॉक ऐसे लगेगा कि मतलब जो ये वाला पोर्शन है ये इसका इस साइड आएगा। सो अब आप इसको वापस इसमें डाल के थोड़ा सा पुश करके ये आप देख सकते हैं लॉक है जो वो बिल्कुल अच्छी तरह बंद हो चुका है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही जो मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो करें, यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।